हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर चंदन सिंह में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दुबई या गल्फ के इंजीनियर कैसे पता करते हैं कि कौन से रूम में क्या है, कहाँ पे टाइल है, कहाँ पे प्लास्टर है, कहाँ पे पेंट आएगा, किस टाइप की टाइल है, और जो सीलिंग होता है फॉल सीलिंग वो कहाँ पे किस टाइप का है। तो दोस्तों, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कहाँ पे क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली हमको दो ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो चार्ट की कि कहाँ पर क्या है, और सेकेंड प्लान की जिस फ्लोर के बारे में हमको पता करना है। तो ये प्लान है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान, लोकेशन है दुबई गल्फ सिटी। ओके, उसके बाद आपको ये नीचे दिख सकता है कि यह है ग्राउंड फ्लोर लेवल 001। तो ये जो प्लान है इसके बारे में हमको पता करना है कहाँ पे क्या है, तो इसके लिए हमको चार्ट पे जाना पड़ेगा। ये जैसा कि चार्ट है, बहुत सी कंपनियों में चार्ट नहीं होता है, उसकी जगह पे वो रूम पे लिखा होता है कि कहाँ पे क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको चार्ट वाला बताऊंगा, आने वाले वीडियो में आपको रूम के अंदर जो डिनोट होता है उसके बारे में आपको के साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रूम आर नंबर जो है 101, तो जो उसका लेवल है ग्राउंड फ्लोर मेड रूम, मेड का रूम है। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लोर में है F01 और F03J, जो फ्लोर होता है उसका ये कोड है F01 F03J। अब हमको पता करना है ये F01 F03 है क्या, इसके लिए चार्ट के बाद हम लोग ये फिनिशिंग के इसमें आएंगे, कोड में आएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इधर एफ के लाइन में आएंगे, इसमें है F01 और F03। अब सेक्शन 1 देख सकते हैं, इंटरनल फ्लोर फिनिश लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट F01 ये है कंक्रीट का स्क्रीट, जिसको बेडिंग भी कहते हैं, और F03 है नॉन स्लिप सेरेमिक टाइल। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि मेड रूम में फ्लोर पे क्या है। इसके अलावा बहुत से रूम में F4 है, F1 हर रूम में होगा क्योंकि स्क्रीट बहुत ज़रूरी है फ्लोर टाइल के लिए। सेकंड है F04, ये जो पार्सलिन टाइल होती है ये है, जनरली इस विले में दो टाइप के टाइल का यूज हुआ है। आपका ये फ्लोर क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं F01 F03 F04 है। ओनली स्टेयर जो है उसमें F01 F05 है। तो हम देखते हैं F01 F05 क्या होता है। F01 आपका कॉन्क्रीट स्क्रीड होता है, F05 वो है ग्रेनाइट फॉर फ्लोर, जो स्टेयर का स्टेप है तो उसके लिए ग्रेनाइट का यूज़ करना है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि फ्लोर का क्या है किस एरिया में। नेक्स्ट है वॉल। अब फ्लोर हो गया, फ्लोर के बाद रूम में आती है वॉल। अब वॉल का पता करना क्या है, तो वॉल जैसे मेडरूम पे ही वॉल लेते हैं हम लोग, तो वॉल है 0001 W03। तो अब ये हमको पता करना है W01 और W03 क्या है। इसके लिए फिर से हम लोग रेफरेंस कोड में आएंगे। अब आपको W के लाइन में जाना है, इंटरनल वॉल फिनिश, आप ये सेक्शन 3 हेडिंग देख सकते हैं। W1 वॉल में प्लास्टर जो होगा वो आएगा, हर वॉल में प्लास्टर आएगा, जैसे कि फ्लोर में हर फ्लोर पे हमारा स्क्रीड आ रहा था, उसी तरह वॉल में हमारा हर जगह प्लास्टर आएगा, वहाँ पे टाइल हो या ना हो। टाइल होता है तो भी हम लोग प्लास्टर करते हैं रफ, और पेंट होता है तो हम लोग फिनिश प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर आएगा। तो इसमें है W01 स्प्रे प्लास्टर, तो प्लास्टर हो गया। इसके बाद W03 है, तो W03 में आप देख सकते हैं यहाँ पे इमल्सन पेंट आएगा, इमल्सन पेंट सिस्टम। तो पहले हमको प्लास्टर करना है, फिर उसके बाद पेंट आएगा, कौन सा, इमल्सन पेंट। तो
तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या आ रहा है। और यहाँ पे W01, W03 के अलावा W01, W13 भी है। तो इधर आते हैं, W01 प्लास्टर आएगा, W13 वाइट्रिफाइड टाइल मींस प्लास्टर आएगा, उसके बाद टाइल आएगा। अगर टाइल नहीं आएगा तो पेंट आएगा, ये फंडा होता है, आप लोग को इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट है, हमको फ्लोर के बारे में पता चल गया, वॉल पे प्लास्टर के बाद पेंट आएगा या टाइल आएगा, इसके बारे में हमको पता चल गया। टाइल के लिए भी हम लोग रफ प्लास्टर करते हैं, डायरेक्ट हम लोग ब्रिक और ब्लॉक पे टाइल नहीं लगा सकते, पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है स्कर्टिंग, स्कर्टिंग है S03 100mm। स्कर्टिंग जनरली 100mm की ही होती है, 150 करेंगे तो ज़्यादा हाइट हो जाएगा, इसलिए 100 की स्कर्टिंग होती है। स्कर्टिंग में भी दो टाइप है यहाँ पे, S03, S04। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं S03 क्या है और S04 क्या है। इसके लिए हमको इंटरनल स्कर्टिंग के सेक्शन में जाना है। S03 हमको देखना है नॉन स्लिप सेरामिक टाइल, और S4 है पार्सलिन टाइल। तो यहाँ से हमको जो वहाँ पे टाइल यूज़ हो रहा है उसका टाइप को देखना है, हाइट हमको डिनोट है तो वहाँ पे वही पुट करना है। इसके बाद आता है सीलिंग फिनिश। जो सीलिंग है ये फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग में जैसे फर्स्ट है मेडरूम में C04 और C12। अब हमको ये चेक करना है C04 और C12 क्या होता है। इसके लिए हमको सीलिंग के सेक्शन में जाना है और फिर यहाँ पे जाके हमको देखना है C04 हमको देखना क्या होता है। C04 है इंटरनल एक्रिलिक इमल्सन पेंट सिस्टम, ओके। और C12 है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग। तो पहले हमको जिप्सम बोर्ड का फॉल सीलिंग लगाना है, उसके बाद हमको पेंट करना है फॉल सीलिंग पे। तो ये सिस्टम है, बहुत जगह पे C13 है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं C13 क्या होता है। C13 जो है जिप्सम का जो पैनल होते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, वुडन भी होते हैं, जिप्सम भी होते हैं, और ये जो है C13 ये है एल्युमिनियम। तो ये एल्युमिनियम का फॉल सीलिंग है। तो इसके अलावा भी है यहाँ पे C13 हो गया, C26 है जो कि किचन में यूज़ हो रहा है। C26 किचन में है, पाउडर रूम में है, इसके बाद बाथरूम में है, सारे बाथरूम में C26 है। अब हमको ये चेक करना है C26 क्या होता है। C26 है MR जिप्सम बोर्ड। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे क्या है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। हमको प्लान की ज़रूरत पड़ती है और जो इंटरनल फिनिशिंग का शेड्यूल है हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। और बहुत बार दोस्तों ये एक ही प्लान में जो फिनिशिंग का प्लान होता है ये उसी में बहुत बार रहता है। जैसे ये किचन है, किचन पे एक सर्कल बना देंगे, उसका चार पार्ट कर देंगे और उसमें लिख देंगे W03, S01 स्कर्टिंग के लिए, वॉल के लिए W03 और फ्लोर के लिए F01, ऐसे करके डिनोट कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो में मैं ड्राइंग के बारे में और कुछ बता सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।